वेल तो अब हम बात करने वाले हैं हेल बाउंड के सीज़न वन और सीज़न टू दोनों के बारे में एक साथ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लेकर के रिलीज़ किया है और उसके चलते कैरेक्टर्स पहचान में नहीं आ रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी जितना, मतलब बोलते ना, अच्छा माहौल मेरे लिए सीज़न वन ने बनाया था, सीज़न टू उस लेवल का काम नहीं कर पाया था। तो उस पर तुम लोग अपना ओपिनियन दो एक एक करके, फिर मैं भी अपने मतलब बीच बीच में बात करता रहूँगा। तो पहले कौन बोल रहा है हेल बाउंड पर, बोलो भाई, पहले सीजन से ही बोलो, मतलब पहला सीजन क्या था, दूसरा सीजन क्या था, वैसे सब खुलकर एकदम बोलो। शुरुआत देखो भाई मैं करता हूँ। मेरे को लाइक मैंने जब स्टार्ट किया ना एपिसोड, तो सबसे बड़ा और मेरा स्टार्टिंग का डिप वहां आ गया कि इनको ना पूरे के पूरे लाइक सीजन वन का रीकैप आगे जो फिक्स करना पड़ा भाई, वो बड़ा जंकी और फास्ट पेस लगा मुझे। अच्छा मेरे लिए ना लाइक वो काफी लाइक जंकी हो गया था कि एक मतलब कहते ना पूरा फास्ट पेस दिखा रहे थे। फिर उसके बाद एपिसोड के मिडिल में एक सीन आता है जहाँ पे इन्होंने वो स्टार्टिंग का एपिसोड वन है ना, जो वो आधे एपिसोड उसके सीजन वन के एंडिंग में निकाला, तो मेरा उसके बाद देखने का मन नहीं किया, मैंने आगे उसको उठाया ही नहीं। और बात करूं अगर सीजन वन की ना भाई, तो सीजन वन में इन्होंने जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी थी और जो कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर आर्क और एक प्रॉपर सेटअप दिया था भाई, मेरे को उसके आगे का जानना था। और मैंने आगे कोशिश करी टू चालू करने की, एपिसोड टू सीजन टू का, बट हाँ, स्टोरी ग्रिपिंग लगी नहीं, तो फिर वहां से मेरा ड्रॉप हो गया। मैं उसके लिए बोलूँगा सस्पेंस जानना है, मेकर्स बोलेंगे वो तो नहीं देंगे, वो तो नहीं मिलेगा। और समहाउ कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीजन थ्री भी आएगा, ये भी आएगा, मैं ला रहे भाई खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। नहीं बोलो आजीज भाई, बोलो। अगर देखा जाए तो हाँ पहला सीजन थोड़ा ठीक है, केओस बनाने में वो बहुत था, लेकिन वो डर भी लगा था। लेकिन बीच बीच में ना जो कनेक्शन हम लूज कर रहे थे पहले सीजन में भी, ऐसा मुझे लगा या किसी और को भी, नहीं वो बोल लेकिन ये सकते हो, लूप, वो खास करके ना मतलब इंडिया में भाई वो वो लोगों जो लोग कनेक्ट डिस्कशंस करेंगे, होती मैं है बोलूंगा ना। पहले सीजन से उससे मेरे को बहुत, मैं बोला बहुत हाँ अच्छा लगा था मेरे को पहला सीजन के भाई, यार क्वालिटी पहला कंटेंट देखा है मैंने। और बाद में फिर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि मानवा की इन लोगों ने अडेप्टेशन करी है एग्जैक्ट उठा करके। और कल पता किया तो पता चला कि जहाँ सीजन वन ख़त्म होता है ना, मानवा भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसका जो एंड था वो बच्चे वाला, वो सीजन टू के एंड में उन लोगों ने दिखाया कि मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है। तो फिर उससे समझ में आ गया कि तुम लोग ने एक्चुअल में सीरीज पूरी एंड कर दी वो दिखा करके, और एक अपनी तरफ से एक एलिमेंट डाल दिया। बाकी वो जो चेयरमैन वेयरमैन का कैरेक्टर था, लग रहा था कि कुछ करेगा, कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है वो। स्टोरी कंप्लीट हो गई ना अजीत भाई। हाँ स्टोरी कंप्लीट हो गई भाई, लेकिन बहुत बहुत मेरे को, अच्छा मैं बोला यार ये तो चीटेड है भाई, हम लोग को सीधा धोखा दे दिया इन लोगों ने, कंप्लीट करने के नाम पे कुछ वो भी दिखा तीनों दिया। का सीक्रेट जो था, जो आते थे हेल से वो मारने के लिए, उन लोग का मतलब सीक्रेट रिवील हो गया ना नहीं सीजन टू में, क्यों आते थे, क्या आते थे, कैसे क्या था। मतलब वो लोग वही है, मतलब वो तो कंफर्म ही है कि वो लोग हेल्थ से आते थे, लेकिन वो बने कैसे थे तो अजीज भाई स्पॉइलर, स्पॉइलर नहीं अजीज भाई, स्पॉइलर स्पॉइलर नहीं नहीं भाई, दे रहा हूँ। सुपर ऊपर थोड़ा बस उन लोगों ने उसको थोड़ा सा नहीं, ये लोग ने बताया नहीं है कि भाई ये जा, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ऊपरी तौर पर कि तुम अपना दिमाग लगा लेना बस, और फिर एंड भी किया है, फिर बोलेंगे कि तुम अपना दिमाग लगा लेना, हमने शो ख़त्म कर दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर। अगर डिमांड हमें होगी तो फिर से राइटर को बिठा करके कुछ ना कुछ 5-6 साल में क्रैक करके तीसरा सीज़न दे देंगे, ऐसा भाई। लिटरली बहुत लेट डाउन था यार, तुम इतना साल लेकर के कुछ बना के दे रहे हो तो ये दोगे क्या बनाकर तुम, ये प्रॉब्लम है इसकी। कमेंट्स तो वैसे आ रही थी, मैं बहुत सारी कमेंट्स चेक कर रहा था हेल बाउंड टू की, तो सब लोग लिख रहे थे भाई दो एपिसोड में कोई छोड़ रहा है, कोई तीसरी में छोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि हम शो की ना मैं डेप्थ को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, हर कोई आधे में छोड़ रहा है, प्रॉब्लम देखो तो छह ऐसा एपिसोड, और प्रॉब्लम क्या पता है, पहला एपिसोड देख लो जो कैरेक्टर्स है, और डायरेक्ट लास्ट एपिसोड देख लो, बीच के एपिसोड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कुछ मिस किया है, ये प्रॉब्लम है इसकी। भाई लॉन्ग कन्वर्सेशंस यानी इसके मजे कन्वर्सेशन को इन बस खराब करते झगड़े हैं, झगड़े 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 वही चल रहा है, वही चल रहा है, केओस जैसा बस आपने बस बताया कि वही चल रहा है, केओस और कुछ पे। नहीं हो रहा है। देखो बोलो एक्चुअल कुछ। में जो है, जो उसकी वेबटून है ना, जो वो उसी के डायरेक्टर की है हाँ जिसे डायरेक्ट किया है सीजन वन और सीजन टू। हाँ और मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था कि सीजन वन कैंसिल कर दिया था, फिर बाद में डिमांड के वजह से उसे वापस रिन्यू किया था सीजन हाँ टू के लिए। बोल, सीजन वन कैंसिल कर दिया था, मतलब था ही क्या, मतलब तुमने ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म ही तो कर दिया था एकदम एग्जैक्ट मानवा पे जाकर, ये मैं बोलूँगा। बस तुमने वहाँ पर एक डिटेल रिवील नहीं की थी जो तुमने इसमें लास्ट में रिवील कर बताई है, और मैंने फिर बोला कि भाई अगर जिनको, अगर इससे कुछ समझ में नहीं आया तो इससे अच्छा जा करके नोइंग देख लो निकोलस केज की,
वो ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा अच्छा हिट करती है वो मूवी, और वो कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है जो ये नहीं कर रही थी। ये हुआ था मेरे लिए इसका। हाँ ओ सीजन तो वन भाई तो पूरे फिर भाई हाँ, अरे मेरे को कोशिश ये स्टोरी तो बताना, फिर मतलब होनी अभी चाहिए। कोरियन शोज की भी एकदम अलग कम्युनिटी बन गई क्या एकदम? वो लोग भी बाकी हॉलीवुड सबके कंटेंट देखना बंद कर चुके क्या? एक तरह से एक्चुअल कह में सकते हो वो कि तो हाँ इस वो तरह कोरियन की भी एक अलग कम्युनिटी है, वो कह तो सकते हैं बहुत भाई इस बहुत चीज को, ज्यादा ये हुआ मैंने है। भी देखी है। क्या पता भाई, एकदम मतलब अलग कम्युनिटी बन गई है। मतलब वो लोगों को कुछ भी दो मजा आ जाता है। घटिया मतलब सीजन टू में तो हर जैसे बार उनका हगना ही होता है इस तरीके के शोज में। कुछ भी दिखाओ, कुछ भी पहला कमेंट होना करो। कोरियन का पहला सीजन जैसे अच्छा होता है, लेकिन बाद में वो अच्छे बोला से डिलीवर नहीं कर अभी पाते वो हैं। देख लो ना, हाइप के चलते सिग्नल का सीजन टू आने वाला है भाई। क्यों बनाना, मैं बोलता हूँ। किसका सिग्नल कोरियन शो जो सिग्नल है, ग्यारह ग्यारह जिसकी रीमेक हुई थी, वो लोग सीजन टू बनाने वाले। क्यों किसका? बनाना है भाई? अच्छा एंड दिया, हाँ प्रॉपर एंड है, तो कुछ तुम्हारे पास अगर कुछ स्टोरी है तो कुछ और करो, जबरदस्ती का नाम लेकर के आगे क्यों बढ़ना है? कोरिया का वही है ना कि लोग कहते हैं ना कोरिया में एपिसोड बड़े होते हैं, वो काफी ज्यादा लेंथ ज्यादा होती है। उसका रीजन में एक्चुअली ये है कि वो सीजन वन में पैकअप करते हैं पूरी स्टोरी से। हाँ मतलब ज्यादा वही समझ लो कि 24 एपिसोड है तो नेटफ्लिक्स के फिर 2 सीजन के बराबर मान लो, हाँ, अरे कोशिश वो सोच रहा, कंप्लीट मतलब रहता तुमने है। अगर एक सीजन में पूरी स्टोरी खत्म की, तुम उधर जो भी टेलीकास्ट कुछ भी करते हो, तो तुम अच्छे खासे एपिसोड भी बनाते हो, 20-25, ऑलमोस्ट एक साल निकाल देता है। बहुत हुआ भाई, एक साल में तुमने निकालने जितने जितने एपिसोड बना करके एंड किया, तो ठीक है मैं बोलूँगा। और फिर अगर तुम उसी हाइप को चलकर तुम सीजन टू बनाओगे, आई थिंक वो कौन सी, वो माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन कुछ शो था ना, उसका भी कुछ हुआ था ना, डिप कौन बिप हुआ था शायद वो शो भी। मेरी बहनें बहुत देखती हैं भाई, वो सा? लोग फैन है, माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन नहीं करके उसका देखा नाम है। भाई, नहीं देखा। हाँ, उसको माय लड़की गर्लफ्रेंड, लोग हाँ वो बहुत काफी ज़्यादा कुछ पसंद हुआ। करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो भी डिप हो गया था, वो लोग बोल रहे थे कि मतलब ठीक ठाक काम चलाओ चल रहा है ऐसा। हाँ वैसे हुआ था हेलबाउंड माय गर्लफ्रेंड, सीजन वन कौन से साल पर में नहीं आया तो था माय इन्होंने? कितने गर्लफ्रेंड भाई हो, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए पता है। तो इन्होंने 3-4 साल लगा दिए इस चीज को बनाने में, यही सीजन तो टू को ऐसा प्रॉब्लम है, बनाया। कर आए दिया। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा ये तो बहुत गलत अरे बात है। एक्चुअली 3-4 साल प्रॉब्लम आप इतना ले रहे कि हो, अरे 3-4 साल के तीन बाद से भी साल आप के उस अरे पे 3 से 4 साल पूरी की बनाने में ही पूरी लगे। वही वही क्या बोल रहे कौशिक? उसका प्रोडक्शन, अरे कह रहे उसका प्रोडक्शन 2022 में स्टार्ट हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था तो दिसंबर में 22 के स्टार्टिंग किया था, तो पूरा ये 23 गया उसका। ऊपर से केस हो गया था जो कह रहे ने कैरेक्टर को रिप्लेस किया है, हाँ, वो एक्टर पे याद कुछ है ना केस वेस उसका? हुआ है हाँ उधर का भाई, वो जो भी हाँ हो वो अपना क्या उसमें करना है। ड्रग केस हुआ है, हाँ तो दूसरे से शूटिंग वो हो गया था तो वही चक्कर हुआ था तभी हाँ, लेट हो गया। उसको हटा करके उन लोगों ने मतलब दूसरे एक्टर को कास्ट किया, और वो एक्टर भाई कोई भी एंगल से कन्विंस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वो एक्टर जिसको निकाले, एक और एक शो था ना, क्या नाम था यार वो टट्टी, जिसकी इतनी हाइप कर रहे थे, वो मीटियोर गिरने वाला था, अरे यार वो रहने को क्या क्या नाम था शो का? वो जस्ट हाँ ये दिमाग से गुड निकल बाय गया अर्थ, उसका नाम, गुड गुड बाय अर्थ बाय अर्थ। भाई। उस शो पे मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी वक्त दिए ना भाई, वो इतने वेस्ट थे, एक एक घंटे के एक एपिसोड थे। और ना इतनी इतनी चिढ़ लग रही थी ना कि भाई ये क्या टट्टी देख रहा हूँ भाई, मैं क्या सड़ा शो देख रहा हूँ। और वो लोग जबरदस्ती की कुछ भी चीज़ें बिल्डअप कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब भाई ख़त्म कर यार। लास्ट में उन लोगों ने फिर वही नोइंग वाले फेस पर जा करके ख़त्म किया, बोले ये हमारी एंडिंग है भाई, एक्सेप्ट कर लो। ये था अब उनका। देखो नेटफ्लिक्स के साथ तो प्रॉब्लम ही चले ना, स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स काफी अच्छी कोरियन कंटेंट दे रहा था, अब वो वही हो गया एवरेज, सोचा कि ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने क्या किया क्वालिटी की जगह क्वांटिटी बढ़ा दिया, हर साल 7-8 कोरियन शो ही कोरियन शो दे देते हैं, 5-6 मूवी। अरे यार क्या आप अरे बोले, बोलो। इस चीज की अगर बात करूँ ना तो इसका एक प्राइम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, इनकी अडेप्टेशन सीरीज भाई। जब जब इन्होंने एनिमे को अडेप्ट करने की कोशिश की है ना, हाँ तब तब इन्होंने हग है। आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, अटैक ऑन टाइटन की मूवीज पार्ट 2 में बनाई है वो, और दोनों पार्ट का सीजी अगर देखोगे तो भाई बहुत बेकार है। वो तो पर वो तो जापानी नेटफ्लिक्स वाला नहीं, वो ना, तो जापान का है ना। जापान का है ना वो तो। है तो वो जापान का, बट ये लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे, अडेप्टेशन के एग्जाम्पल के हाँ, तौर वो पे मैं बात एडेप्टेशन में तो करूँ एनीमे हर बार हगते ही है, तो ये तो एक बोलने की और बात है यो यो हकुसन अजीज भाई, वो भी तो अरे बहुत कस के हगा है। नहीं यार, यार ऐसा मत बोले यार, मेरे को अच्छा लगा था वो। मतलब अरे हमको भाई उतना नहीं जो ठीक सीन लगा, मतलब देखा बहुत है, फास्ट मैं कह पेस रहा हूँ था, ना मतलब बहुत क्या जल्दी भाई। 5 एपिसोड में सब कुछ खत्म कर हाँ, दिया। वो हकुसन बोल अभी सकते तो हो कि उन लोगों ने बहुत जल्दी खत्म कर दिया जो भी हाँ किया, अरे लेकिन मेरे को मतलब फास्ट पेस के हिसाब से उनको पता है कि कौन सी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, अरे तो मेरे लिए ठीक निकल गया वो शो, अरे ऐसा बोलूंगा। बोलो। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट आर्क जिसे डार्क टूर्नामेंट कहते हैं, जो पूरे एनिमे हिस्ट्री में हाँ टॉप लेटेस्ट आर्क में से एक है, हाँ उसको बर्बाद किया है। हाँ गाड़ी वही वही बर्बाद अजीज किया भाई, बहुत और इतना वाह। फास्ट में निकाल दिया कि आधे घंटे में सब कुछ खत्म। एनिमे और यकीन नहीं की क्वालिटी करोगे फिर घटिया थी उसकी, एनिमेशन की।
हाँ बहुत बेकार अरे लेकिन चलो यार, ठीक है भाई। हाँ अरे वो एनिमेशन पुराना है पर आज के एनिमे फेल हो जाएंगे उस वाले एडेप्टेशन के सामने। क्यों? अरे बहुत तगड़ा अडॉप्ट किया उन्होंने। हाँ ओके अच्छा, वो एनिमेशन स्टाइल की बात कर रहे हो, चलो ठीक ही है मैं बोलूँगा। चलो खैर तो इसको रैप अप देते हैं। हेलबाउंड का भाई ये अभी हेल, भी ये बता, देखना डायमा चाहिए देखा कि नहीं क्या देखना चाहिए भाई? सीजन टू? अगर मतलब तुमको कुछ कॉन्क्लूजन चाहिए कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो हाँ केओस एंजॉय करने के लिए देख लो, बाकी सलाह तो दूर रहने की रही, कोई नहीं चांस है अभी भी कुछ अगर निकले का? देखना हो तो मतलब सीजन 2 से पहली एपिसोड और कौन सी हाँ एपिसोड्स दे सकते, डायरेक्ट लास्ट लास्ट वाली देख लास्ट लो। केओस वाली देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा बिल्कुल भाई, तो वो नहीं अमेज़न पे देखना आई भाई, है वो देख चुके हैं कोरियन पहले ही सीरीज, सीजन में। नाम है हाँ वही वही, डेथ गेम है, डेथ क्या बोल रहे गेम है कौशिक? कोरियन सीरीज आई है। अरे कोरियन सीरीज आई है एक न्यू, डेथ गेम है शायद से नाउ हाँ अमेज़न दे पे, वो देखना है मेरे को, वो देखो भाई वो देखना है। चलो वो तो एक्चुअल में इसको कंटेंट पैकअप दे दूँ। खैर तो ये था हेलबाउंड मतलब सीजन 1 सीजन 2 पर डिस्कशन, जिस पर आप अपनी राय कमेंट में लिख के बताना। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, बाय।